ये है हमारा आज का भोजन। हम कांकेर में है और ये चिकन बिरयानी, चिकन मसाला और पापड़। लंच ये रही दूध नदी और इसी के साथ साथ आगे जाते हुए हम मलाजकुड़म की तरफ जा रहे हैं। आगे दिखाने वाले आपको झरना वगैरह, जुड़े रहिए बस। हेलो फ्रेंड्स, आज हम मलाजकुड़म आए हैं। मलाजकुड़म एक्चुअली एक वाटरफॉल है जो कांकेर एरिया में है और कांकेर के मेन सिटी से अंदर तरफ कटना पड़ता है, तकरीबन 15 या 16 किलोमीटर दूर होगा। और ये झरना दूध नदी पे दूध नदी पे बना हुआ है और पहाड़ों के बीच से आता है, तो ये झरना एक स्लैब में नहीं गिरता, अलग अलग स्लैब में बटे हुए बहुत सारे झरनों का समूह कह सकते हैं इसको। और यहाँ से दिखेगा नहीं, मुझे दिख रहा है वहाँ पे, आप शायद थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। इस झरने की आवाज़ दूर तक आती है बारिश के टाइम। हम आगे जाने वाले, जाके देखते हैं। बस गरम गरम गरम, अरे गरम जल। ये देखिए अंग्रेजों के जमाने का पुल। और आज यहाँ टूरिस्ट आए नहीं है, वैसे हमें सिर्फ 5 बाइक दिख रहा है। और इस बार पानी पूरा फुल शबाब पर है, उफनती हुई नदी से पानी आ रहा है ऐसा लग रहा है। ये मलाजकुड़म का बेस, यहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर यहाँ से आगे चलते जाएंगे ना, ये पहला झरना बोल सकते हैं, ऊपर चढ़ेंगे तो और झरना मिलेगा, और ऊपर और झरना। और यहाँ से चढ़ना ठंडी के दिन में अच्छा रहता है क्योंकि पानी कम रहता है। अभी यहाँ से चढ़ा नहीं जा सकता, चढ़ने के लिए साइड में सीढ़ियाँ बनी हैं यही कहीं पर मंदिर के पास से, वहाँ से चढ़ा जा सकता है। और तकरीबन 300 सीढ़ियाँ वहाँ पे, 300 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर वाला टॉप वाला झरना देखने को मिलेगा और वहाँ से व्यू भी अच्छा आता है, दूर दूर तक पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। एक्चुअली ये झरना दूध नदी पर बनता है, ये एक्चुअली बोल सकते हैं पहाड़ों से जो पानी आता है, यही पानी आगे जाकर जो नदी बना रही है ना, वो दूध नदी है। उसी के रास्ते रोड बाय रोड सामने सीधा सीधा आना पड़ता है, तब जाके ये झरना मिलता है। और ये झरना देखा जाए तो 3 स्लैब में बटा हुआ है, बड़े बड़े 3 झरनों का समूह है। एक एक झरना 10-15 मीटर का भी हो सकता है ना, मापा नहीं है लेकिन एक्चुअली उतने ही हाइट का होगा, 10-15 मीटर का एक झरना है। और वो सारे झरना अगर सामने से देखना हो तो ये मौसम सही नहीं है, हादसों वाला मौसम है। तो अगर कभी झरना देखना चाहते हो तो ठंडी के मौसम में आइए, दिसंबर जनवरी तक यहाँ मस्त पानी रहता है, विजिट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम रहता है। हम लास्ट टाइम जो 4 दोस्त लोग आए थे, कुछ एडवेंचर करने का सोचे थे। और ये जो मलाजकुड़म की पूरी पहाड़ी है, देखने में लगता है बहुत छोटा है लेकिन बहुत दूर तक है। हमने यहाँ से पैदल पार किया था, झरने के बीच से चढ़ते हुए पूरा आखिरी तक गए थे। और आखिरी में ऊपर एक गांव है, गांव में जाकर गांव वालों से मिले थे, वहाँ की दिनचर्या जाने थे, बहुत इन्जॉय किए थे उस टाइम। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था मेरा मोबाइल खो गया था, फिर बाद में सही सलामत मिल गया, एक्चुअली पानी में कहीं डूब गया था, बहुत ढूंढने के बाद मिला। और इस पानी का रंग भी मटमैला दिख रहा होगा, वजह सिर्फ एक ही है कि सितंबर महीना है, बारिश इसी वजह से। लेकिन आप जब नवंबर दिसंबर में आओगे ना, पानी कम रहेगा और पानी पूरा सफ़ेद रहेगा, पूरा पीने लायक, एकदम शुद्ध पानी टाइप का रहता है, पहाड़ों के बीच से पानी छन के आता है। अभी अंधेरा भी होने वाला है, देख रहे हो थके हारे लोग। अभी हम वापस घर की ओर जाने वाले हैं, लेकिन हम रात यही ख़त्म नहीं करना चाहते, कुछ और विचार करके रखे, देखते सक्सेस हुआ तो वीडियो डालेंगे। बाय। आज का दिन हमारा बहुत हेक्टिक था, बहुत जगह घूमे हैं, थक हार गए और कभी भी एक पल के लिए भी रेस्ट करने का मौका नहीं मिला। हाँ, घर तरफ जा रहे हैं।
मलाज कुटुम्ब छोड़कर शायद इस सीज़न फिर आएंगे अपन। और बस टेक केयर, और कल संडे का दिन है तो एंजॉय योर डे।